बड़ी खबर चुनाव की त्रिपुरा से, त्रिपुरा को लेकर बीजेपी सूत्रों से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के सूत्र ये कह रहे हैं कि त्रिपुरा में बीजेपी को सरकार बनाने का पूरा भरोसा है, यानी त्रिपुरा में बीजेपी सरकार बनाएगी। त्रिपुरा के आंकड़ों पर हेमंत की नजर बनी हुई है, हेमंत बिस्वा सरमा की नजर बनी हुई है। नंबर कम हुए तो टीएमपी से बात कर सकती है बीजेपी, यानी त्रिपुरा मोथा से बात की जा सकती है, टीएमपी के साथ गठबंधन कर सकती है बीजेपी। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमोद राय जुड़ गए हैं। अमोद, बीजेपी वॉर फुटिंग पे लगातार वॉर रूम में काम कर रही है, यानी हर संभावना के लिए यहाँ पर चर्चा की जा चुकी है, क्या ऐसा कहा जा सकता है? निश्चित तौर पर बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहती है। और इसी कोशिश में मैं आपको बताऊं कि पहले बहुत कोशिश की गई कि त्रिपुरा मोथा के साथ बीजेपी का समझौता हो, लेकिन उनके डिमांड को बीजेपी मैच नहीं कर सकी, इसलिए समझौता नहीं हो पाया चुनाव से पहले। लेकिन ये बात हमें जानकारी रहनी चाहिए कि त्रिपुरा मोथा बीजेपी का बहुत ही करीबी अंग रहा है और वहाँ के उसके जो मुखिया हैं प्रदोत, उनके संबंध बीजेपी के नेताओं से, खासकर हेमंत बिस्वा सरमा से बहुत करीबी रिश्ते रहे हैं। और अभी बीजेपी को यह भरोसा है कि वहां सरकार अपने दम पर अभी भी बना लेगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ता है तो वैसे में बीजेपी निश्चित तौर पे त्रिपुरा मोथा के लोगों से बात करेगी और उनके साथ अलायंस की बात करेगी। लेकिन अभी भी मैं आपको फिर से ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि बीजेपी को ये भरोसा है कि त्रिपुरा मोथा के बगैर भी उनको सरकार बनाने के लिए मैंडेट मिल जाएगा, ऐसा उनको उम्मीद है। क्योंकि वहाँ सरकार बनाने के लिए 30 से ज़्यादा अगर सीट आती है तो बीजेपी सरकार बना सकती है, तो बीजेपी को लगता है कि उसको 32-33 कम से कम सीट तो आएगी। उन्हें लगता है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी बातचीत की जा रही है, बैकडोर से लगातार चर्चा जारी है। अमोद राय हमें ये जानकारी दे रहे थे, लेकिन ये जो तस्वीर है गौतम जी की टीएमपी के साथ बातचीत हो रही है, हेमंत बिस्वा सरमा का कितना बड़ा रोल हो सकता है सरकार बनाने को लेकर अगर जरूरत पड़ेगी? नहीं, उनको तो माना जाता है नॉर्थ ईस्ट का दूसरा चाणक्य, वो तो कर सकते ही है। लेकिन बात यह है कि टीएमपी का जो कंडीशन होगा, मुझे जो लग रहा है कि प्रेजेंट जो सीएम है मानिक साहा, उसको बदलना पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि वो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर के साथ उसका इक्वेशन सही नहीं था। इसलिए कोई त्रिपुरा में महिला मुख्यमंत्री भी हो सकता है, ऐसे बात पहले से ही चल रहा था। इसलिए बीजेपी इस बार अनाउंस नहीं किया कौन मुख्यमंत्री होंगे। असम में जैसे सर्बानंद सोनोवाल को घोषित नहीं किया गया था, बाद में कोई नया मुख्यमंत्री बना, इसमें त्रिपुरा में भी कोई मुख्यमंत्री मानिक शाही रहेंगे, ये बीजेपी ने नहीं कहा। तो तस्वीर बदल सकती है, अगर उन्हें गठबंधन करना पड़े या उन्हें जरूरत पड़े उस परिस्थिति में। महाराष्ट्र एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है कि छोटी पार्टी को चीफ मिनिस्टर दो, अपने आप को डिप्टी चीफ मिनिस्टर दो, ये भी हो सकता है।